पहाड़ों वाली चाय, अदरक वाली चाय, आहा हा हा हा। जब ने फेरी लाइट लगाई है और कुछ इस तरह से व्यू आ रहा है हमारे टेंट का, जो कि भाई नेक्स्ट लेवल लग रहा है। और वो देखो पहाड़। It's very easy. See, it's easy for the person who's driving, but the co-driver is always panicky. भाई मैग्डी फेल हो गया, देखना साइज। Just like a dream, you and I standing wild and free, with petals so golden, the sun's warm kiss, a love so strong, a bliss. Hey guys, good morning, welcome back, कैसे हैं आप लोग? और हम निकल रहे हैं अपनी next camping destination के लिए, जिसका हमें भी नहीं पता है। तो कल हम इस प्रॉपर्टी पे आए थे, मतलब हमारे पीछे ये जो प्रॉपर्टी अगर आपको दिख रही होगी, मैंने आपको इससे पिछले वाले व्लॉग में बताया था कि हम यहाँ पे आए हैं और हम कल रात इधर ही रुके हुए थे। इसलिए क्या हुआ कि मैं बाहर इसलिए शूट नहीं कर रहा हूँ, कुछ मतलब लोग आए हुए हैं और उन्होंने सुबह से म्यूज़िक चलाया हुआ है, अब किसी को मना भी नहीं कर सकते। तो मैं सोच रहा था कार में बैठ के ही व्लॉग बना देता हूँ। तो बहुत ही सही प्रॉपर्टी है और बाहर का लुक अभी आपको मैं चेक करवाऊंगा, क्योंकि रात में मैंने दिखाया था आपको। और अगर जैसे आप ग्रुप कैंपिंग करने आते हो, या मतलब आपके पास सेटअप है या नहीं है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। ये चकराता से लाइक 10 किलोमीटर पहले है और बहुत ही सही लोकेशन है, पीसफुल। और हमने तो पार्किंग की बात की हुई थी, तो इन्होंने हमें वॉशरूम वगैरह यूज़ करने के लिए दे दिया था, तो वहीं पे मतलब हमने चेंजिंग वगैरह, फेस वॉश एंड ऑल सब कुछ उधर कर लिया। और हम निकल रहे हैं, अब देखते हैं कहाँ जाते हैं, मतलब चकराता के और नियर बाय देखेंगे, या फिर मसूरी के नियर बाय देखेंगे, जो भी लोकेशन सुटेबल लगेगी हमें। और ब्रेकफास्ट हम लोगों ने भी कर लिया था आज, महाराज जी ने ये ब्रेड ऑमलेट बनाई है और टी, स्पेशल जिंजर टी, तो मज़ा आ गया। तो मैं आपको एक बार बाहर का व्यू चेक करवाता हूँ, अगर आप लोगों का भी प्लान बने तो आप इधर आ सकते हो, मतलब फुली रिकमेंडेड है। और इनका इंस्टाग्राम का जो पेज है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप डायरेक्ट ही बात करके बुकिंग वगैरह कर सकते हो। सो बाहर चलते हैं। ऑलमोस्ट सेम ही है ये देखो, बट कमाल की बात एक ही है, वहाँ पे क्लाउड्स के पीछे स्नो माउंटेन्स हैं। मुझे लगता है किन्नर कैलाश वाले माउंटेन्स होंगे वो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाइट पे हैं और पूरे के पूरे स्नो से कवर हो रखे हैं, तो मुझे लगता है कि वही होंगे। अभी मैप्स पे देखूँगा मैं, तो अभी देखते हैं क्या करना है। और ये वो वाला पॉइंट है, ये रामतल रिजॉर्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो रामतल रिजॉर्ट। और ये वो रास्ता जा रहा है ऊपर, होटल सन पॉइंट। तो ऊपर एक दो रिजॉर्ट भी होंगे और मतलब कैंपिंग लोकेशन भी मिल सकती है हम लोगों को, वहाँ चल के पता करना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं क्या करना है। सो गाइस, फाइनली हम अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे आ चुके हैं और आपको दिखाएंगे ना, मज़ा आ जाएगा, एक नंबर लोकेशन है। चेक करवाता हूँ, ये देखो, गैस करो। ओ उधर से आ रहे हैं, वो टावर लगा हुआ है ना यहाँ पे, ए ओ उधर, उसके पीछे से आ रहे हैं जहाँ पे हमने स्टे किया हुआ था। और ये कुछ 360 व्यू आता है यहाँ से, और चक्राता उधर है, उस साइड है, पीछे की साइड। और ये देखो क्या ही व्यू आ रहा है भाई, आज मिलेगा हमें तसल्ली वाला सनसेट।
एक नंबर। इधर से आ रहे हैं हम घूमते हुए, देखो ये रोड्स है ना, बहुत ही ज्यादा नैरो रोड्स हैं। क्या कहता है, बिगनर बंदा आ सकता है? बिगनर बंदा नहीं आ सकता भाई इधर इस वाले रूट पे, पता क्यों? बहुत ही ज्यादा नैरो है। और आज रात हम यहीं बिताने वाले हैं, सनसेट सनराइज सब कुछ देखेगा यहाँ से, और यहीं बनेगा अपना खाने पीने का जो भी होगा। बट अभी तो हम कुछ बनाएंगे स्नैक टाइप। क्या खाएंगे? चीजी बर्गर। आप चीजी बर्गर, ये देखो क्या रेज आ रही है, ये देखो एक नंबर। नाइस। और बॉनफायर भी होगा रात को। यो हमने टेंट रेडी कर दिया, और आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। हमारा जो ओवरलैंडिंग का ग्रुप है उसमें से एक देवशीष सर हैं, उन्होंने भी यहाँ पे आज सेटअप किया है, मतलब वो भी थोड़े टाइम पहले ही पहुँचे थे। तो ये हमारा लाइक मैं चक्राता में था, वो भी चक्राता में थे, मतलब चक्राता आ रहे थे, तो हमारा कोऑर्डिनेशन हुआ। तो हमने डिसाइड किया कि इसी पॉइंट पर हम कैंपिंग वगैरह कर लेंगे। तो सी ये हमारा आज हमने अपना कैंप सेटअप किया है, टेबल इधर आ गई, चेयर इधर आ गई और लाइट्स लगाई हैं। ये मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा क्योंकि सनसेट होने वाला है, और एक सेंटर में लाइट लगाई है, और कुछ इस तरह से हमारा सेटअप लग रहा है। और ये इन सर का सेटअप है, ये ब्रीजा में आया है। थोड़ा इंट्रोडक्शन करवाता हूँ आपको, ये भी सेटअप कर रहे हैं। हेलो सर, से हाय टू माय सब्सक्राइबर। हेलो मैम, ये देखो ये लोग ब्रीजा में आए और इस पॉइंट पे, और मैं बोल रहा था कि ये लाइक बिगनर्स के लिए, बिगनर्स आ सकते हैं आप? बताओ। हाँ हाँ, अरे मैम बताएंगे। आई एम कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, नहीं ये जो पर्टिकुलर ये रास्ता था जहाँ से हम, हाँ हाँ, अरे इट्स वेरी इजी। सी इट्स इजी फॉर द पर्सन हु इज ड्राइविंग, बट द को ड्राइवर इज ऑलवेज पैनिकिंग। तो आप लोग वो लाइक ग्राउंड टेंट लगा रहे हो इंस्टॉल कर रहे हो? आई टू स्लीप इन द कार। ओके, शी स्लीप्स ओवर हियर। ओके, शी हैज गॉट अ बेड आल्सो। अच्छा, ये दिस बेड भी है, फोल्डेबल बेड। ओके, फोल्डेबल। तो इनका सेटअप थोड़ी देर में मैं आपको चेक करवाऊंगा, अभी इनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, और चलते हैं बैक टू पवेलियन। ये देखो खुश कितना हो रहा है, और आपको भी हम सनसेट दिखाते हैं यहाँ से। आए हाय हाय हाय, हमारी चाय रेडी है, शाम की चाय, पहाड़ों वाली चाय, अदरक वाली चाय, आहा हा हा हा। और ये हमने लाइक रेडी कर लिया, बर्गर बनाएंगे हम आज, चीज़ बर्गर और टिक्की भी है वैसे। और भाई हम, मैं आपको अपना सेटअप दिखाता हूँ, सीन ये है, उधर ना उन्होंने सॉन्ग्स प्ले किए हुए हैं, अब कॉपीराइट का सीन रहता है आपको पता ही, आज हमने फेरी लाइट लगाई है, और कुछ इस तरह से व्यू आ रहा है हमारे टेंट का, जो कि भाई नेक्स्ट लेवल लग रहा है। और वो देखो पहाड़, और ये है हमारा कुछ टेंट, एक नंबर, फेरी लाइट्स है, और साथ में एक छोटी सी मिनी लाइट है, और एक वो हमारी मेन लाइट है, एक ही आज हमने पूरा जगमगा दिया है इसको, अपने टेंट को। लाइट देख रहे हो आप कि इधर आसपास कुछ नहीं है उसके बावजूद, और उधर वहाँ पे बॉनफायर चल रहा है, पार्टी चल रही है, और हमने जो यहाँ के ऑनर हैं उनके लिए भी चाय बनाई है, मतलब मैंने ही बनाई है, ये थोड़ा रेस्ट कर रहा था बेचारा। ये देखो इसकी। अभी बर्गर बनाएंगे, खाएंगे, उसके बाद देखेंगे क्या करना है डिनर में, क्योंकि ये तो स्नैक टाइम है। सो गाइस, बर्गर रेडी होने वाला है अपना, टेंट कचरे को साइड रखते हैं। चीज आज बनेगा डबल टिक्की चीज बर्गर। ओए होए होए होए, फिलिंग पूरी आ रही है, सब कुछ आ रहा है, पत्ता गोभी एंड ऑल स्टफ, मजा आ जाएगा, है ना भाई? और क्या, मास्टर शेफ है तो भाई मजा तो आना ही है। टिक्की ये तो लाइक वो मिली थी हमें कहाँ से, स्मार्ट पॉइंट से, क्या कहते हैं इसको, मकीन फूड। अब इसको हम लगाएंगे और अपना पूरा हैवी बर्गर खाएंगे और जिंदगी के मजे लेंगे। इधर उधर देखो,
डिनर की जरूरत भी ना पड़े शायद। डिनर की जरूरत नहीं पड़ेगी आज यार, ये ही इतना ज्यादा हो रखा है ना जी। इसकी स्टफिंग आप अच्छी तरीके से कर रहे हैं यार, ये ना बहुत हैवी होने वाला है इसको इधर रखते देता हूँ, है ना। हाँ ये ठीक है गाइस, गलती मत निकालना यार, आपसे रिक्वेस्ट है कुछ भी लगे ना उल्टा सीधा देखने में अच्छा ना लगे, क्योंकि यार ऐसी जगहों पे ना खराब भी बना हो ना भाई वो भी एक नंबर लगता है, क्यों भाई। यस सही बात है, चाय ऐसा लग रहा है जिंदगी में हमने कभी चाय पी नहीं है पहले कभी भाई मैगडी मैगडी फेल हो गया देखना साइज ये भाई देख रहे हो कौन सा महाराजा बर्गर, वो मुझे लग रहा है वो उससे भी हैवी हो गया है। बट आज हमारा सीन सेट होने वाला है, अब हम वीडियो को रोकेंगे एंड देन खाएंगे पीएंगे, टेस्ट करते हैं, टेस्ट करेंगे बस, टेस्ट अच्छा होगा नो डाउट मुझे लग रहा है। यस है ना। यस चल फिर वीडियो बंद करते हैं और खाते हैं हम लोग। ओके चलो।